यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा की गिनती देश के चुनिंदा राज्यों में होती है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। सोनीपत के कुंडली के गांव में पीने के पानी दूषित होने के कारण लोगों को पीलिया जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई पेट्रोल या ऑयल नहीं है, ये पीने का पानी है। इसी को ये लोग पीते हैं, यही इनका सहारा है। इतना ज्यादा गंदा पानी कि पीकर लोगों की किडनी तक खराब हो जाए। किसी को पीलिया हो गया है, किसी की त्वचा खराब है, बीमारी है लेकिन जिंदा है, इसलिए जहर को भी पीने पर मजबूर है। ये सोनीपत का गांव कुंडली है जो हरियाणा के विकसित गांव में गिना जाता है। आसपास में कई औद्योगिक फैक्ट्रियां लगाई गई है। इन्हीं कारखानों का असर है कि पानी जहर में तब्दील हो चुका है। अब जीना है तो पानी पीना ही पड़ेगा, और ऐसा पानी पीकर जिए तो जिए कैसे। यहाँ पे हरा पानी आता है बहुत ज्यादा, समय शायद बच्चों को नहलाने में, कपड़े वगैरह धोने में घोल का पानी लेना पड़ता है पीने के लिए अलग से। एलर्जी हो रही है इस पानी से, अलग अलग तरह की दिक्कत हो रही है, लोग बीमार पड़े। हाँ, बीमार हुए, खुजली हो रही है हाथों पैरों में। जितना भी होता सारा बोर नीचे करके ने काला दिला सब पानी अंदर तक चल रहे हैं। पानी पीने लायक भी नहीं रहा, नहाने लायक नहीं रहा, कपड़े धोने लायक नहीं रहा, ललित भाई हमारा पानी। पानी का रंग पीला हो चुका है। लगभग पूरे गांव में हर नल और हर एक समरसिबल ऐसा ही पानी देता है। इंसान और जानवर इसी के सहारे जी रहे हैं। ये हमें से ये पीला पानी आ रहा है, नहाते हैं, दिक्कत होती है हमें, और फिल्टर के पानी से हम कब तक नहाए हैं, नहाते हैं, खुजली मारती है सर पूरे शरीर पर। ठीक है जी, अतः इसका कुछ उपाय करो। कुछ लोग हैं जो पीने का पानी पैसे देकर दुकानों से खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ गरीब भी हैं जिनका यही सहारा है, इसी से गुजारा है और ये पानी पिए जा रहे हैं जो कि जहरीला पानी है। मैडम पानी तो तेजाब जैसा ही है, अभी आपने देखा भी था, हमने दिखाया था आपको, तो मतलब कि ऐसा है कि पानी पीने तो क्या मतलब पीने तो हमने 12 साल से छोड़ रखा है इस पानी को पीने के, लेकिन अब ये है कि घर छोड़ने तक की नौबत आ रही है। और अब हम ऐसा आएगा जो पानी का हमारा सुधार करेगा तो हम वोट उसी को देंगे, नहीं तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। केमिकल और गंदगी मिले पानी को पीने वाले लोगों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये हो रहा है कि गांव छोड़कर कई परिवार जा चुके हैं और कई छोड़ने का मन बना चुके हैं। चुनाव में नेताओं ने पानी दिलाने का वायदा कर वोट तो ले लिया, लेकिन अब सरकारी नुमाइंदे लोगों की आंखों के सामने आने तक से कतराते हैं। खबर अभी तक के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।